नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पितृपक्ष की अंतिम तिथि पर लोगों ने अपने पितरों की आत्मा की शांति हेतु काशी के गंगा घाटों व पिशाच मोचन कुंड पर किया श्राद्ध कर्म। रामनगर सूजाबाद क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं से नाराज क्षेत्रीय लोगों ने दिया धरना। आगामी त्योहारों के मद्देनजर चौक थाने में पुलिस प्रशासन व नगर के संभ्रांत नागरिकों की हुई बैठक। और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्लेयर साक्षी मलिक ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और अब खबरें विस्तार से। पितृपक्ष की अंतिम तिथि पर लोगों ने अपने पितरों की आत्मा की शांति की कामना के साथ काशी के गंगा घाटों व पिशाच मोचन कुंड पर श्राद्ध कर्म किया। पितृपक्ष की अंतिम तिथि पर मोक्ष नगरी काशी के गंगा घाटों से लेकर पिशाच मोचन कुंड पर श्राद्ध कर्म किया गया। दूर दराज से आए लोगों ने अपने पितरों की आत्मा की शांति हेतु उनका श्राद्ध कर नमन किया। वहीं पंडित नीरज कुमार पांडे ने बताया कि पिशाच मोचन कुंड की बहुत महत्ता है। जिन लोगों ने पितृपक्ष के 15 दिन के पखवाड़े में अपने पितरों को जल अर्पित नहीं किया व मात्र पितृ विसर्जन के दिन आकर यहाँ श्राद्ध कर्म करे तो उन्हें पितृदोष ब्रह्मदोष इत्यादि से मुक्ति मिलती है। उन्होंने बताया कि त्रिपिंडी श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। इसे करने से प्रेत योनि में गए पितरों को इससे छुटकारा मिलता है। गुरु जी, किस तरह की परंपरा है और कब शुरू हुआ, क्या हो रहा है आज? ये 11 तारीख सितंबर से चालू हुआ, आज इसका अमावस्या का तिथि है। लास्ट सितंबर में ये पूजा समापन से आज जिस जिसके घर में रोज 15 रोज जिन्होंने पानी नहीं दिया, तर्पण नहीं किया, आज अमावस्या के दिन पिशाच मोचन आकर त्रिपिंडी श्राद्ध और अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करके तर्पण करके जाते हैं। किस तरह के फल की प्राप्ति होती है इस तरह के पूजन? इस तरह से पूजन से फल की प्राप्ति होती है, जो भी हमारे घर में पितृदोष हो, ब्रह्म दोष हो, गृह दोष हो, वो सब शांत हो, वंश की वृद्धि हो, धन लक्ष्मी की बढ़ती हो। गुरु जी, ये पोखरा और जो है गंगा किनारे ही पूजन करते हैं क्या? ये जो त्रिपिंडी श्राद्ध है, अगर माना जाए तो पिशाच मोचन पे इसका अधिकतम उसका फल मिलता है। और ऐसे कहीं सरोवर किनारे कर लिए, गंगा जी किनारे कर लिए, पीपल के वृक्ष कर लिए, पिंडदान तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध पिशाच मोचन पे ही करना चाहिए। तो इससे पितरों को किस तरह के वो पिशाच मोचन पे अगर त्रिपिंडी श्राद्ध करने से जो भी हमारे पूर्वज प्रेत योनि में गए हुए हैं, पितृ बने हैं, अकाल मृत्यु मरे हैं, उनकी मुक्ति हमें हो जाए। गुरु जी, किस तरह से पूजन संपन्न होता है? ये शुरू में विष्णु जी का पूजन होता है, ब्रह्मा जी का पूजन होता है, लास्ट में शंकर जी का पूजन के साथ ये समापन किया जाता है। इसी कड़ी में वाराणसी के शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर में पितृपक्ष के आखिरी दिन श्राद्ध कर्म करने वालों का तांता लगा रहा। वाराणसी से 15 किलोमीटर दूर स्थित माधोपुर गांव में गंगा नदी के किनारे स्थित शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में वहीं के पंडित हनुमान प्रसाद पांडे ने बताया कि पहले शूलटंकेश्वर महादेव का नाम मध्वेश्वर महादेव रहा, जिसका उल्लेख शिव महापुराण में भी है। गंगा जी जब शिव जी की जटा से निकली तो बहुत ही उग्र रूप में थी, तब शिव जी ने उन्हें अपने त्रिशूल की मदद से यहीं पर रोका और मां गंगा से दो वचन लिया, जिसमें एक, यहां कभी किसी जलीय जीव द्वारा किसी को हानि नहीं पहुंचाया जाएगा, और यही शूलटंकेश्वर से ही मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर काशी को छूते हुए निकल जाती हैं। यहां की महत्ता को देखते हुए लोग यहां पर ही आकर पिंडदान कर अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। इनका महत्व जो है शिव महापुराण में वर्णित है, जो है इनका तो बहुत ही महत्व है। जो दशाश्वमेध यज्ञ दशाश्वमेध पर नहाने से फल प्राप्त होता है, वह यहाँ पर स्नान करने से प्राप्त होता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति एक साल जो है नियम से स्नान कर ले और भगवान की पूजा कर ले तो जो अपना अभिष्ट चाहता हो उसको मिल सकता है, लेकिन एक साल पूरा हो नहीं पाता उसका, किसी न किसी प्रकार से विघ्न होता है। अगर कर ले कोई व्यक्ति तो जो चाहे मन में, यहीं से महाराज बनारस को जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इनका बहुत ही महत्व है यहाँ पर। तो अब देखिए महालया के श्राद्ध पहले तो बहुत कम लोग थे, गांव के ही क्षेत्र के लोग आते थे, अब तो बनारस से भी लोग चले आते हैं यहाँ पर।
पहले यहाँ पे क्या ऐसी भीड़ होती थी? ऐसी भीड़ कहाँ पहले होती थी, बहुत कम होती थी भीड़ यहाँ पर, जो बस केवल क्षेत्रीय गांव के कुछ ही माधोपुर कोट कुरहुआ के ज्यादा। पहला पड़ाव ये पंचकोश का पहला पड़ाव है, 84 कोश पंचकोश में ये प्रथम खंड है और प्रथम पड़ाव यही था, यहीं से संकल्प होता था, यहीं से जो है इलाहाबाद से होते हुए जो 84 कोश पंचकोश में इसका वर्णन है प्रथम। ये सुलटंकेश्वर महादेव कष्ट के निवारण करने वाले सुलटंकेश्वर महादेव हैं। ये काशी का पहला स्थान है, यहाँ पर जो है कि माधेश्वर ऋषि तप किए हैं, उन्हीं के नाम से माधोपुर गांव पड़ा है। और गंगा माँ जब वेग में चली हैं काशी को बहा देती, लेकिन सुलटंकेश्वर महादेव ने रोक दिए हैं गंगा माँ को, यहाँ पर रोक करके 3 वचन बनाए हैं कि आप काशी छू कर जाना है, काशी में किसी को घड़ियाल मंगन न पकड़े, और यहाँ से रुक करके काशी जाना है, यहाँ से घूम के जाना है, यहाँ से उत्तरवाहिनी हो गई, यहाँ से यहाँ तो गई हैं सीधे पूर्व गई हैं, उसके बाद उत्तरवाहिनी बाद में हुई है। और ये शिव जी का नगरी जो है कि ये आनंद वन है, यहाँ पहले देवता लोग आनंद लेते थे, आज आप लोग देवता हैं, जितने लोग आते हैं वही लोग देवता हम समझते हैं, क्योंकि देवता दिखाई नहीं दे रहे हैं, उतना शक्ति हम लोग के पास है नहीं, दिखाई अनुभव दिए थे लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब 22-23 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं। हाँ हाँ 23 साल, अब क्या अंतर है? बहुत अंतर है, पहले कोई नहीं आता था, जो आता था पहली बार इक्का दुक्का आदमी, अब बहुत लोग आने लगे, अब जो बाबा का नाम चर्चित हुआ, ये यहाँ बहुत भक्तियाँ हैं। यहाँ पर एक बार हम लोग रुद्र महायज्ञ करा रहे थे 2001 में, 17 दिन लगे सांप दौड़ने, यहाँ पर 17 दिन लगे सांप दौड़ने जमीन से, बहुत आनंद, एकदम आनंद होगा जैसे हो गया, यहाँ पर बहुत शक्तियाँ हैं, जो भक्ति करेगा वो शक्ति का अनुभव पाएगा अनुभव। एक हमारे काशी में बेस्या की लड़का जो है कि राखी लेकर आ रहा था, इसी जगह राखी गायब हो गया, फिर तो आकाशवाणी हुई कि तप करो, तो तप किया, तो उसके बाद उसका राखी वापस आया, तब ले काशी में गया, अब तो जहाज से ले आकर राखी गिरा देंगे। ये पितृपक्ष का नुकसान है, आज आखिरी है क्या? आज आखिरी है। कौन सा घाट है? ये सुल्तान केश्वर। जो आप अनुष्ठान कर रहे हैं इसको क्या क्या किया जाता है? ये सब आटा है, तिल है, घी है, आटा जौ का है, और तिल्ली है, और शहद है, मिष्ठान है, फूल है, माला है, और नारा है, रोरी है, ये पूरा यही सब है। किसके निमित्त कर रहे हैं? पिताजी के निमित्त, आजा जी के निमित्त, सभी पूर्वजों के, सभी अपने अपने पितरों के निमित्त। रामनगर सूजाबाद क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं से नाराज क्षेत्रीय लोगों ने धरना दिया। थाना रामनगर के सूजाबाद मोहल्ले में आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। काफी समय से क्षेत्र में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। गलियों की स्थिति काफी दयनीय है, कूड़ा 10-10 दिन बाद उठता है। मोहल्ले के छोटे बच्चे कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि काफी विश्वास से भाजपा के बनारसी निषाद को लोगों ने आश्वासन पर 6 बार जिताया। विधायक भी भाजपा से गठबंधन के सुनील कुमार पटेल हैं, जो कभी झांकने भी नहीं आते हैं। गलियों में कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जो बीमारी को दावत दे रहा है। सीवर है ही नहीं, हैंडपंप सरकारी लगा है जिसमें पानी आता ही नहीं है। अधिकारियों से बार बार लोगों द्वारा सूचित करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज क्षेत्रीय लोगों ने समस्या को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और समस्या का निदान करने की मांग की, अन्यथा चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी गई। धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से किशोर यादव, सीताराम सेठ, सोमनाथ यादव, मुकुंद यादव, माया देवी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। यहाँ सबसे मेन समस्या ये है कि एक तो सबसे पहली बात, यहाँ गली टूटी फूटी, क्षतिग्रस्त, गड्ढे, जरा सा भी अगर बारिश हुई तो आप चल नहीं सकते, घर से निकल नहीं सकते। दूसरी चीज गली खराब होने से
छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बुढ़े यहाँ बुढ़ों की संख्या ज़्यादा है, बुजुर्ग लोग काफ़ी हैं, वो चलते हैं गिर जाते हैं, कई लोग चोट चपेट लग जाती है, लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, काम करने वाले सवारी से जाते हैं, गाड़ियाँ गिर जाती हैं, लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, चोट लग जाती है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि पानी की समस्या बहुत भारी है यहाँ पर। यहाँ पानी, अगर लाइट नहीं है तो पानी नहीं है, पानी अगर आएगा तो ज़मीन के नीचे गड्ढा खोदिए, उसमें पंप लगाइए, तब पानी बड़े मुश्किल से आपको मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि सीवर की समस्या है यहाँ पे, सीवर यहाँ है ही नहीं, एक तरीके से मान लीजिए नाम मात्र के लिए है, जो पुराना पड़ा हुआ है, 6 इंच की पाइप है, वो सारी बंद पड़ी हुई है। यहाँ सबने सोखता गड्ढे खुदवा खुदवा रखे हैं, सब उसी में करते हैं, और जिसका नहीं है वो बाहर बहता रहता है, उसकी वजह से बीमारी फैलती है, मच्छर लगते हैं, बच्चों को बीमारियाँ हो जा रही हैं, लोगों को बीमारियाँ हो जा रही हैं। कूड़ा हफ्ते में 10 दिन में, वो भी काफ़ी कहने पे सफाई कर्मचारी को, उसको चंदा लगाया जाता है हम लोग की, भैया ऐसा है ये 100 रुपये ले लो, 50 रुपये ले लो, गली के लोग जो भी हैं उसमें प्रभावित वो चंदा लगाते हैं, तब उसको जो है कह के करके पैसा दे के उठवाया जाता है कूड़ा खुद। ये निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं है या जिला परिषद की या जो भी है। मांग हमारी सबसे पहले तो गली की मरम्मत हो जाए, सीवर सुव्यवस्थित हो जाए, दूसरा गली की सफाई है, उसके बाद नंबर आता है बिजली और पानी का। तो पानी के लिए ट्यूबवेल काफ़ी पुराना लगा हुआ है, सालों मतलब हम लोग के सामने का भी नहीं, काफ़ी पहले का है, 50 साल पहले का है, वो भी पुराना हो चुका है और सप्लाई नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ के लोगों का कहना है कि पैसा तो आता है यहाँ, लेकिन वो दूसरे क्षेत्रों में लग जा रहा है। अभी जाएंगे आप दूसरी गलियों में तो वहाँ गलियाँ बनी हुई हैं, काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ कुछ निर्माण नहीं हो रहा है। समस्या है आपके सर, यहाँ समस्या गिनवाएंगे तो कम पड़ जाएगा, इतनी समस्या है, ऐसा कोई भी नहीं है जो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सी प्रॉब्लम है, गली में गली का दिक्कत, पानी का, लाइट का, बिजली, सब चीज़ के लिए हम लोग परेशान हैं, एकदम त्रस्त हैं, एकदम हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कहाँ पर आके यहाँ पर फंस गए, हम लोग सुजाबाद में आके, सब चीज़ में यहाँ पर हम लोग को दिक्कत, हम लोग सोचते हैं कि खाली यहाँ पर क्या करने, सोने के लिए केवल यहाँ पर आते हैं सुजाबाद में, कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली आए दिन कटी रहती है, एक फेस हमेशा गायब रहता है। अरे सब सुविधा चाहते हैं और क्या, सरकार से हम लोग को क्या चाहिए, कमाने के लिए तो हम लोग कमा ही रहे हैं। समस्या है आप लोगों का? अरे ये समस्या तो हम जन्म से आए तब से यहाँ पर देख ही रहे हैं। आगामी त्योहारों के मद्देनजर चौक थाने में पुलिस प्रशासन ने नगर के संभ्रांत नागरिकों संग बैठक की। पुलिस उपायुक्त काशी जोन आरएस गौतम तथा सहायक पुलिस आयुक्त दशा सुमेध, अवधेश कुमार पांडे व प्रभारी निरीक्षक चौक की उपस्थिति में सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं व संभ्रांत व्यक्तियों के साथ आगामी त्योहारों शारदीय नवरात्र, बारह वफात, रामलीला, दशहरा पर्वों के दृष्टिगत चौक परिसर में बैठक की गई। बैठक में मौजूद सभी समस्त संप्रदायों के धर्मगुरुओं, पदाधिकारियों एवं क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों से त्योहार के दृष्टिगत उनकी समस्याओं को सुना गया तथा शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाए जाने की अपील की गई तथा पुलिस उपायुक्त जोन काशी द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत मीटिंग के दौरान कई निर्देश दिए गए। पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा निर्देशित किया गया कि दुर्गा प्रतिमा परंपरागत स्थलों पर ही स्थापित करें, सार्वजनिक स्थलों व मार्गों पर भंडारे का आयोजन व प्रतिमा स्थापित न करें एवं दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने से पहले अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आयोजकों को निर्देश दिया गया कि पंडाल के आसपास अग्निशमन यंत्रों तथा बालू व पानी की उचित व्यवस्था रखें। दुर्गा पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था अवश्य करें। पंडालों में आयोजित कार्यक्रमों में कूपन व लॉटरी से संबंधित किसी भी प्रकार का आयोजन न किया जाए। आने वाले पर्वों को दृष्टिगत सभी प्रबुद्ध जनों की गोष्ठी की गई और सभी से अपील की गई कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अफवाह फैलाने का कार्य करे तत्काल उसका खंडन करें। सोशल मीडिया पर कोई भी द्वेष फैलाने वाली बात को प्रसारित ना करें, ना उसको वायरल करें। जितनी भी मूर्तियां स्थापित होंगी वो कोई भी सड़क पर स्थापित नहीं होगी, इस बात का भी ध्यान रखें। और लाउड स्पीकर के संबंध में बताया गया कि लाउड स्पीकर की क्षमता उतनी होगी जितने उनके धार्मिक परिसर की क्षमता है, उस परिसर के बाहर आवाज़ ना जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। और यदि कहीं कोई इस तरह की गतिविधि पाई जाती है तो उस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त आज जो ग्राम प्रहरी हैं उनकी भी गोष्ठी की गई और ग्राम प्रहरियों को भी अपने अपने क्षेत्र के बारे में सभी अपने जो है थाना प्रभारियों को सूचना देने के संबंध में उनको अवगत कराया गया कि अब अपने अपने क्षेत्र से संबंधित कोई भी गतिविधि है तो उसके संबंध में अपने अपने क्षेत्र के थाना प्रभारियों को सूचना अवश्य दें। और सर काशीवासियों को इसके किस तरह का संदेश देंगे क्योंकि परसों नवरात्रि? मैं सभी काशीवासियों को आने वाले नवरात्रि के संबंध में, दशहरा के संबंध में और बारह वफात के संबंध में अपनी तरफ से, पुलिस परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ ये भी सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि कोई भी मूर्ति सड़क पर स्थापित ना करें, परमिशन लेकर के ही मूर्तियों को स्थापित की जाएं। जो परंपरागत मूर्तियां स्थापित होती हैं वही मूर्तियां स्थापित होंगी और जो पंडाल में जो है म्यूजिक आदि बजे वो धार्मिक प्रवृत्ति का हो और उसका वॉल्यूम जो है बहुत ही स्लो होना चाहिए, जितना उसके परिसर है उसके बाहर उसकी आवाज़ ना जाए। और यही मैं सभी से कहूँगा जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, जहाँ भी माइक लगे हुए हैं उनकी भी क्षमता जो डेसिबल निर्धारित की गई है उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें और उसका पालन करें। सर सुरक्षा व्यवस्था बोलेगा किस तरह का रहेगा? प्रत्येक जो पंडाल स्थापित कर रहे हैं, मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं, वो 8-8 घंटे की जो है स्वयंसेवक जो है 2-2 व्यक्तियों को उसमें ड्यूटी लगाएं। इसके अतिरिक्त CCTV कैमरे भी उस पंडाल में अवश्य लगाएं और हमारी पुलिस की जो टीम रहेगी पेट्रोलिंग पार्टी वो भी आसपास के जितने भी पंडाल रहे हैं उनको राउंड दी क्लॉक जो है चेक करती रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्लेयर साक्षी मलिक ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्लेयर साक्षी मलिक शनिवार देर रात वाराणसी पहुंची। पति सत्यव्रत कार्डियन के साथ उन्होंने बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। मीडिया से बातचीत में साक्षी मलिक ने कहा कि मैं पहली बार वाराणसी आई हूं, यहां पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर साक्षी ने पूरे कॉरिडोर का भ्रमण किया। आपको बता दें कि साक्षी मलिक ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कुश्ती में ओलंपिक सहित कॉमनवेल्थ गेम्स आदि में कुल 13 पदक हासिल कर भारत का नाम रोशन किया है तथा भारत में सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वहीं बाबा श्री काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत वो थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी पर पहुंची, जहां उन्हें वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से सहायक पुलिस आयुक्त दशा सुमित तथा प्रभारी निरीक्षक चौक द्वारा अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिसके लिए उन्होंने कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस एवं सभी को धन्यवाद दिया। एक मिनट मैडम, हाँ आइए मैडम, मैडम बनारस में आई थी, बाबा का दर्शन कैसा हुआ, किस तरह करती? मैं पहली बार वाराणसी आई और आज दर्शन करने का मौका मिला तो हमें बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगा और आप लोगों के जरिए और सर की इतनी हेल्प से हमें इतने अच्छे दर्शन हुए और बस खुशी का ठिकाना नहीं है, आज बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए। मैं कमिश्नर पुलिस के द्वारा आपको दर्शन भी कराया गया था, इसको किस तरह का संदेश आप देंगी? सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे दर्शन कराए, हम भाग्यशाली हैं कि हमें इस तरीके से दर्शन हुए, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और किस तरह का आपको अंदर कॉरिडोर लगा, मोदी जी का संदेश कैसा लगा? सर ने बहुत अच्छा काम किया है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जो पूरा हुआ और हमने पूरा कॉरिडोर घूमा और हमें बहुत अच्छा लगा और अगली बार हम अपनी फैमिली को लेके आएंगे और चाहेंगे कि वो भी इतनी पावन धरती पर आए और दर्शन करें। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लोगों ने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 93वें संस्करण को उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी उपस्थित जनों ने सुना। प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनने के पश्चात वाराणसी के कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को आज जहां सारा विश्व मान रहा है, ऐसे में हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि अपने प्रधानमंत्री की प्रेरणादायी बातों को अवश्य सुने और उसको अपने जीवन में उतारें। इस अवसर पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
आज 83वीं बार 93 तिरानवे बार 93 बार मन की बात का संबोधन किए। कभी भी ऐसा नहीं लगता मन की बात सुन के कि हम किसी राजनेता की बात सुन रहे हैं, हमेशा ऐसा लगता है कि हम अपने अभिभावक की बात सुन रहे हैं, हम अपने गार्जियन की बात सुन रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर बार अपने मन की बात में नए नए मुद्दे लेकर आते हैं, लेकिन वो सारे मुद्दे हमारे रोजमर्रा के जीवन से, हमारे देश की सुरक्षा से, हमारे देश के सम्मान से, सभी चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। हर बार मन की बात में हम कार्यकर्ताओं को संदेश मिलता है कि हम अपना जीवन कैसे जिएं, कि हम अपने देश के, अपने समाज के, अपने परिवार के और अपने बंधु बांधवों का अपने ठीक से काम आ सकें। वो हमारे स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और साथ ही साथ पूरे देश के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, उनका अभिनंदन है, नमन है। हम काशीवासी सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसा नेता अपने सांसद के रूप में मिला है जो आज विश्व गुरु की भूमिका में आ चुका है। विश्व के बड़े बड़े देश उनसे राय मशवरा कर रहे हैं, ऐसा नेता हमें सांसद के रूप में। अस्सी घाट पर गंगा में नहाते हुए एक युवक गहरे पानी में जाने से डूब गया। भेलूपुर थाना अंतर्गत अस्सी घाट पर एक युवक गंगा के बढ़े हुए जल में डूब गया, जिसे स्थानीय लोगों की सूचना के बाद एनडीआरएफ की टीम खोजने में जुटी रही। डूबने वाले युवक का नाम अजय केशरी, उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है। युवक मूल निवासी कैमूर बिहार का रहने वाला था। यहां राजेंद्र विहार कॉलोनी सुंदरपुर में किराए का मकान लेकर रहता था। युवक ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बताया जा रहा है कि युवक तीन युवकों के साथ अस्सी घाट पहुंचा था तथा घाट पर स्नान करने के उतरा था। इस बीच गहरे पानी में जाने से वो डूब गया। कहाँ आए थे बाबू आप? हाँ, वो अगले बगल। यहाँ पर नहाने आए थे। किस घाट पे? अस्सी घाट पे। कौन कौन लोग आए थे? चार लोग आए थे मेरे साथ। क्या नाम था बाबू? नाम नहीं मालूम। अरे एक डूबा, उसका नाम जो डूबा उसका क्या नाम था? अजय। क्या करता था बेटा? ऑटो चलाता था। और जो लोग आए थे दो लोग, वो लोग क्या नाम था? वो सब छोटे छोटे थे, वो सब भाग गए। क्या नाम था उन लोगों का? नाम एक का नाम कल्लू था और एक का नाम नहीं मालूम। तो सब लोग कहाँ रहते थे आप लोग? हम लोग उधर रहते थे सुंदरपुर के बाद। चारों लोग? हाँ, वहीं से सब लोग आए। तो बोला कौन था कि चलो नहाने चलते हैं? जो डूबा है अजय। क्या मामला ये हुआ था कि हम लोग उधर अपने छोटे के बाद स्नान करा रहे थे, यहाँ चार लड़के नहा रहे थे, तो चार लड़के नहाते नहाते एक लड़का डूब गया, दो भाग गए, तीसरा बताया कि भैया एक लड़का डूब गया। जब तक हम लोग आए तब तक पता चला कि वो डूब चुका था। हम लोग अपनी मदद से खोजा गया, मगर तत्काल में मिला नहीं। हमारे भाई सहारे छागुर सहारे जो लोग तुरंत डुबकी लगाए, गोता मारे, मगर मिला नहीं। फिर उसमें से एक लड़का जो था वो पकड़ में आया, तो बताया कि हाँ भैया डूब गया, उसके कपड़े यहीं पड़े हैं, आधार कार्ड भी है। श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए श्री काशी अग्रवाल समाज वाराणसी के सभापति संतोष कुमार अग्रवाल ने बताया कि श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा इस वर्ष अपने अग्रज अग्रसेन जी महाराज की जयंती पर सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम आगामी 26 सितंबर से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसमें विविध कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। शोभा यात्रा में क्या खास होगा? शोभा यात्रा में अनुमानित 1000 से 1200 लोगों का प्रोग्राम है कि हम लोग 1200 लोगों को इकट्ठा करने का प्रोग्राम है, और उस पर एकता दिखानी है हमको अग्रवाल समाज के सब अच्छे से साथ सबको साथ रह करके एक प्रोग्राम करने का प्रोग्राम है। किस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है? महाराज अग्रसेन की जयंती पे हम लोग 26 तारीख से 2 तारीख तक एक प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, और सप्ताहव्यापी वह प्रोग्राम है, और इसकी शुरुआत हम लोग महाराज अग्रसेन के माल्यार्पण से करेंगे, और 3 दिन हमारे स्कूल कॉलेजों में महाराज अग्रसेन के ऊपर परिचर्चा होगी, और आखिरी दिन हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं 2 तारीख को। 1 तारीख को भव्य आयोजन है डांडिया का मैरिज पॉइंट सिगरा पे, इसमें सभी अग्रवाल बंधु सादर आमंत्रित हैं, और इसमें डांडिया का एक वृहद प्रोग्राम किया गया है। इस तरह से हमारी पूरी एक सप्ताह व्यापी ये प्रोग्राम किया जा रहा है। शोभा यात्रा निकाली जा रही है, और इस बार शोभा यात्रा गोदलिया पे जो मारवाड़ी स्थल है सामने, उसकी एक होटल है, तो उस होटल से हम लोग उठाएंगे शोभा यात्रा, और ये भव्य आयोजन है। ये पिछले कई वर्षों में ऐसा आयोजन नहीं हुआ होगा, इस तरह से ऐसा प्रोग्राम भव्य आयोजन करने का विचार है, और आशा है सभी अग्रवाल बंधु सब परिवार इसमें सम्मिलित होंगे। तो चलते चलते पुनः एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
पितृपक्ष की अंतिम तिथि पर लोगों ने अपने पितरों की आत्मा की शांति हेतु काशी के गंगा घाटों व पिशाच मोचन कुंड पर किया श्राद्ध कर्म। रामनगर सूजाबाद क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं से नाराज क्षेत्रीय लोगों ने दिया धरना। आगामी त्योहारों के मद्देनजर चौक थाने में पुलिस प्रशासन व नगर के संभ्रांत नागरिकों की हुई बैठक। और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्लेयर साक्षी मलिक ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।